हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजमुद्रा एस एकेडमी। तो आज हम हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे पार्ट टू डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग चैप्टर 7 टू चैप्टर 11 जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है उनके बारे में देखेंगे या इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में देखेंगे। ये जो हमारा चैप्टर 7 टू 11 है, इसमें मेनली एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, वाटर रिसोर्सेज और उसके साथ साथ जो हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स उनके बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी बार सवाल देखा गया है स्पेशली एग्रीकल्चर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के ऊपर। जो हमारा वीडियो है, इसे इसका जो पीडीएफ फाइल है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद रहेगा। इसके साथ साथ बजट के ऊपर वीडियो और पहले 6 चैप्टर्स जो हमारे इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 के हैं, उनका वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। तो आप लोग वहाँ से, अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से आप लोग एक बार देख सकते हो। जो फाइल आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगी, इसको आप लोग फ्यूचर पर्पसेस के लिए यूज़ करना, क्योंकि जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे का जो टोटल पेजेस हैं वो 170-175 के आसपास हैं। तो यहाँ पे जो मैंने जो ज़्यादा रेलेवेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं उनको निकालने की कोशिश की है, तो आप लोगों की एग्ज़ाम में थोड़ी सी सहायता रहेगी। इसके साथ साथ मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अप्रैल लास्ट वीक के लिए पूरे प्रिपेयर हो, जहाँ पे हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का प्रीलिम्स होने वाला है। इस टाइम पे ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम आपका एक्सटेंड होगा या एग्ज़ाम आपका एक्सटेंड नहीं होगा। इस टाइम पे तुम्हारा फोकस सिर्फ आपके एग्ज़ाम और आपकी प्रिपरेशन के ऊपर होना चाहिए। डेट मायने नहीं रखती है। ध्यान रखना, जितना अगर डेट कल को एक्सटेंड होती भी है, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मान लो अगर डेट एक्सटेंड होती भी है, तो उस एक्सटेंडेड डेट को आप लोग अपने नॉलेज को और ज़्यादा एनरिच करने के लिए यूज़ करिए, और साथ में जितना रिवीजन हो सकता है उतना रिवाइज करिए। क्योंकि जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जिस तरह का आपका एग्जाम का नेचर है, वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को मल्टीपल टाइम आप लोगों को रिवाइज करना पड़ता है। क्लियर? तो चलिए, जो इकोनॉमिक सर्वे है, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का जो इकोनॉमिक सर्वे के जो हमारे 4-5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले देखते हैं टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन के बारे में। अब देखिए, अगर हिमाचल प्रदेश में मैं फूड ग्रेन प्रोडक्शन की बात करूं, तो हिमाचल प्रदेश में भी उसी तरह की क्रॉप्स पाई जाती हैं जो नॉर्मली हमारी नेशनल लेवल के ऊपर हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश की जो पहली 4 क्रॉप्स हैं, दैट इज़ राइस, मेज, रागी एंड मिलेट्स, ये आपकी खरीफ क्रॉप्स हैं। और जो आपकी ये बाद की क्रॉप्स रहेगी, दैट इज़ व्हीट, बार्ले, ग्राम। पल्सेज में तो डिवीजन है, कुछ पल्सेज आपकी राबी होती है, कुछ क्रॉप्स जो है वो आपकी खरीफ होती हैं। स्पेशली जो व्हीट है, बार्ले है, ग्राम है, ये आपकी जो है वो राबी क्रॉप्स है। क्लियर? अब दूसरी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में जो 80% टोटल एरिया है वो रेनफेड एरिया है। रेनफेड एरिया का मतलब क्या रहता है? एक ऐसा एरिया जो कि बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर एग्रीकल्चर, जहां पे इरिगेशन का प्रावधान नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज यहां पे क्या है कि अगर मैं फूड ग्रेन प्रोडक्शन की बात करूंगा, तो यहां पे देखिए इन्फॉर्मेशन तो आप लोगों को बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। पहले तो देखिए इस स्पेसिफिक जो टेबल है उसको हम लोगों ने रीड किस तरह से करना है। देखिए, जो इसका पैरामीटर है वो ये है, आपका 1000 मीट्रिक टन की बात करते हैं। अब सवाल आएगा कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन उसको हम कैसे मेजर करेंगे मीट्रिक टन में। मीट्रिक टन का मतलब क्या रहता है? आसान भाषा में 1000 किलोग्राम। तो जो भी यहां पर इंफॉर्मेशन लिखी गई है वो इंफॉर्मेशन आपकी होगी 1000 मीट्रिक टन में। जैसे फॉर एग्जांपल, अब आप लोगों के सामने वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको टिक करूंगा जो आपने मेमोराइज करना है। तुमसे पूछा जाए कि 2018-19 में, दैट इज 2018-19 में टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना था, तो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन तुम्हारा था 1692,000 मीट्रिक टन। और अगर इसको मैं लाख में कन्वर्ट करूंगा तो कितना रह जाएगा तुम्हारा? 16.92 लाख मीट्रिक टन। अब देखो यार, तुम्हारे इकोनॉमिक सर्वे में जो टेबल है उसके अंदर 1000 मीट्रिक टन में इंफॉर्मेशन को शो किया गया है, लेकिन जो इनका टेक्स्ट है, जो लैंग्वेज लिखी गई है, वहाँ पे लाख मीट्रिक टन में जो है वो तुम्हारा जो टोटल प्रोडक्शन है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, उसको मेजर किया गया है। तो तुम लोग दोनों में तैयार रहिए, डाटा तो वही रहेगा, 1000 में 1692 आ जाएगा, और जब लाख में उसको हम कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा आपका? 16.92 लाख मीट्रिक टन। उसी तरह से अगर 2019-20 की बात की जाएगी तो उसमें थोड़ा सा उम्मीद कम है, क्योंकि क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो थे वो हिमाचल प्रदेश के लिए ज़्यादा फेवरेबल नहीं रहे थे, स्पेशली जो आपकी मक्की की प्रोडक्शन है या गेहूं की प्रोडक्शन है उसके लिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 2019-20 की जो टेंटेटिव एस्टिमेटेड प्रोडक्शन है वो कितनी है, वो आपकी है 1636,000 मीट्रिक टन, या इसको मैं कह सकता हूँ 16.36 लाख मीट्रिक टन। दूसरी चीज़ आप ध्यान रखिए कि जो टोटल हमारी यहाँ पे प्रोडक्शन है, मैं सिर्फ इन 2 सालों को जो है वो पिक कर रहा हूँ, क्योंकि ये लेटेस्ट है, इस सर्वे का अपडेशन है। तो यहाँ से देख लीजिए, ज़्यादा पॉसिबिलिटी 18-19 का आने की है, और 19-20 भी पूछा जा सकता है।
सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हमारे हिमाचल के अंदर है मक्की की, जो कि 771,000 मीट्रिक टन हुई है 2018-19 में। दूसरे नंबर पे जो प्रोडक्शन है वो है 682 मीट्रिक टन की, और तीसरे नंबर पे जो आपकी प्रोडक्शन है वो है 146,000 मीट्रिक टन की। तो ये तीन इंपॉर्टेंट क्रॉप्स को आप लोग ध्यान रखना, और इनका कितना कितना टोटल प्रोडक्शन रहा है इसको भी आप लोग थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए, क्योंकि जब ऑप्शन आएगा तो आपके लिए एलिमिनेट करना कंपेरेटिवली थोड़ा सा आसान रहेगा। उसी तरह से 2019-20 का जो हमारा टेंटेटिव प्रोडक्शन आइडिया है वो भी सबसे ज़्यादा मक्की का है, दैट इज 760,000 मीट्रिक टन। देन आपका सेकंड नंबर पे गेहूं का है, व्हीट का है, दैट इज 670,000 मीट्रिक टन, और तीसरे नंबर पे आपका राइस का है, चावल का है, दैट इज 134,000 मीट्रिक टन। देखिए ध्यान रखना, नो डाउट हमारे हिमाचल में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन उसके बावजूद चावल इसलिए ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं किया जाता है क्योंकि चावल के लिए फ्लैट फील्ड चाहिए होती है, प्लेन खेत चाहिए होते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में आप लोगों को आइडिया रहेगा, आप सब हिमाचल के ही लोग हैं या अगर बाहर के भी सुन रहे हो, तो हिमाचल जो है वो उसकी टोपोग्राफी थोड़ी सी हिली है, तो यहाँ पे तुम्हें बहुत लंबी फ्लैट फील्ड्स नहीं देखने को मिलती हैं। और साथ में जो चावल है उसको इनिशियल स्टेजेस के ऊपर जो है वो हमें पानी रोकना पड़ता है, और पानी रोकने के लिए तुम्हें फ्लैट फील्ड्स चाहिए। यही कारण है कि चावल की प्रोडक्शन, नो डाउट बारिश बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, और नॉर्मली जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होता है वहाँ पे चावल ज़्यादा होना चाहिए, या जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है वहाँ पे चावल ज़्यादा होना चाहिए। और नॉर्मली राइस की प्रोडक्शन हम मानसून टाइम पे ही करते हैं, वहाँ पे हिमाचल में बहुत अच्छी बारिश होती है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि टोपोग्राफी हमारी फेवरेबल नहीं है, तो यही कारण है कि चावल उतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। वैसे आपके गाँव में आप लोगों ने देखा है कि मानसून के टाइम पे बरसातों में आज भी चावल जो है वो उसको प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन हमारी जो ज़्यादा डिपेंडेंसी है वो मक्की के ऊपर है, मेज के ऊपर है, जिसको हम मानसून मंथ में जो है वो एक तरह से हार्वेस्ट करते हैं, या उन्हीं दौरान खरीफ गर्मियों वाले मौसम में ही उसको सो करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन को आप लोग ध्यान रखें। उसके साथ साथ पोटैटो और वेजिटेबल एंड जिंजर जो कमर्शियल क्रॉप्स तीन इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में भी यहाँ से आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे जो टोमेटो का टोटल प्रोडक्शन था वो 186,800 मीट्रिक टन है, जो एस्टिमेशन है वो 196.30 मीट्रिक टन है। वेजिटेबल की इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी ध्यान रख लेना, 1722.14,000 मीट्रिक टन एस्टिमेशन। अगेन हर तरह हर चीज़ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, या हर चीज़ की प्रोडक्शन हिमाचल प्रदेश में 2018-19 के मुकाबले 19-20 में कम है, क्योंकि 18-19 में प्रोडक्शन जो थी वो हमारी वैसे भी कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा हो गई थी। जैसे देख लीजिए यहाँ पे 17-18 के मुकाबले बहुत ज़्यादा जो था वो हम लोगों ने इनक्रीज़ किया था, अप्रॉक्सीमेटली 100,000 मीट्रिक टन से भी ज़्यादा। और 17-18 में भी इंक्रीज हुआ, लेकिन उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है जितनी 18-19 में हम लोगों ने देखी थी। तो दो कारण है, एक तो 18-19 में ज़्यादा बम्पर क्रॉप होगी, और दूसरा कारण है कि 19-20 में जो है वो क्लाइमेट ने बहुत ज़्यादा साथ हमारे किसानों का नहीं दिया, जिसके कारण हिमाचल में प्रोडक्शन हम लोगों को बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिली। तो देखिए थोड़ा सा फैक्चुअल तो है, लेकिन जैसा एग्जाम का नेचर है हम लोगों का प्रिपरेशन वैसा ही होना चाहिए। पर्सनली आप लोग ये दो तीन लाइंस याद रखना, टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितनी है, टोटल गेहूं की प्रोडक्शन कितनी है, टोटल आपका जो मक्की है उसकी प्रोडक्शन कितनी है, और टोटल राइस की प्रोडक्शन कितनी है 2018-19 और 19-20 में। इस इन्फॉर्मेशन को आप लोग मेमोराइज कर सकते हो। क्लियर? चलिए आगे। अब देखिए अगला जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम्स हैं, कुछ स्कीम्स आपकी बहुत पुरानी हैं, बहुत पहले से लॉन्च की गई थी, कुछ स्कीम्स आपकी लास्ट ईयर लॉन्च की गई हैं, इन स्कीम्स को थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जब भी आपका इकोनॉमिक सर्वे आता है तो उसमें हिमाचल से रिलेटेड स्कीम्स के बारे में भी मेंशन किया जाता है, और साथ में जो नेशनल लेवल की स्कीम्स हैं उनके बारे में भी मेंशन किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे जो हमारा लेक्चर है उसका जो ओरिएंटेशन है वो हिमाचल स्पेसिफिक स्कीम्स के ऊपर ज़्यादा रखा है, क्योंकि जो बाकी स्कीम्स हैं उनको हम लोग नॉर्मली भी जब इकोनॉमी या इकोनॉमिक सर्वे इंडिया का देखते हैं, या जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ देखते हैं, इकोनॉमिक प्रोग्राम्स देखते हैं, तो वहाँ पे हम उनको कवर कर लेते हैं। तो मेरा मेन औचित्य यही है कि अगर हिमाचल के ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको ईजिली एड्रेस कर सको। अब देखिए सबसे पहले एक स्कीम की बात करते हैं, जिस स्कीम का नाम है दैट इज़ प्लांट प्रोटेक्शन प्रोग्राम। प्लांट प्रोटेक्शन प्रोग्राम का सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे आप लोग देखते हो हमारे यहाँ पे खेतों में काफ़ी ज़्यादा पेस्ट्स या काफ़ी इंसेक्ट्स और कभी कभी फसलों को बीमारियां लग पड़ती है, फसलें आपकी पीली होनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण जो हमारा किसान है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो बेसिकली जो तुम्हारा प्लांट प्रोटेक्शन प्रोग्राम है उसको लॉन्च करने का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि लोगों को अवेयर किया जा सके फसलों की बीमारियों के बारे में, फसलों के ऊपर जो इंसेक्ट्स या पेस्ट्स हैं उनको किस तरह से कंट्रोल किया जा सके।
अब जो गरीब परिवार हैं, जो आपके स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, और वो फार्मर जो बैकवर्ड एरियाज को बिलोंग करते हैं, उसके साथ साथ वो फार्मर्स जो एससी एसटीज या आईआरडीपी फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, उनको सरकार ने जो है वो इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर 50% की सब्सिडी प्रदान की है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर इन पर्टिकुलर कैटेगरीज के किसी फार्मर को फर्टिलाइजर लेना है या केमिकल लेना है, जिससे वो इंसेक्ट्स पेस्ट्स या जो डिजीज है उनको रोकना चाहता है, तो सरकार जो है वो उसको 50% का सब्सिडी प्रदान करेगा। क्लियर? या जो आपका टोटल जो कॉस्ट रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई केमिकल 100 रुपए का है, तो उसको जो वो 50 रुपए ही फार्मर को पे करना पड़ेगा, अगर वो इन स्पेसिफिक 4-5 कैटेगरीज को जो है वो बिलोंग करता है। अब सवाल यहां पे आएगा कि पूछा जा सकता है कि प्लांट प्रोटेक्शन स्कीम के अंदर जो हमारे फार्मर्स हैं 4-5 कैटेगरीज के, उनको जो इक्विपमेंट्स हैं या जो केमिकल्स हैं, वो कितनी परसेंट कॉस्ट के ऊपर मिलेंगे, या कितना परसेंट जो वो सरकार के द्वारा जो है उनको सब्सिडी प्रोवाइड किया जाएगा, तो कितना परसेंट का कॉस्ट होगा उनका, 50% का या 50% का। दूसरा जी, ये दूसरा आपका इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, दैट इज योर सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज। आप सब लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे सॉइल हेल्थ कार्ड्स वगैरह बनने शुरू हो चुके हैं। सॉइल हेल्थ या सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज का मतलब है कि यहाँ पे पूरे राज्य के अंदर हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर चेक किया जाएगा कि सॉइल में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनकी ज़्यादा मात्रा है, कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी है, और कौन सी क्रॉप हम वहाँ पे सो कर सकते हैं, कौन सी क्रॉप अगर आप लोगों ने वहाँ पे सो करनी है, बोनी है, तो उसके लिए जो है वो कितना या कौन सा जो है वो फर्टिलाइजर या कौन से न्यूट्रिएंट्स जो है वो आपको सॉइल के अंदर डालने पड़ेंगे। तो एक ना कहीं ना कहीं ये आपकी जो सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं, इनका यही ऑब्जेक्टिव, यही औचित्य है। एक चीज़ ध्यान रखना, ये लेबोरेटरीज जो है वो आपको ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलेगी, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं है, जिसका नाम है लाहौल एंड स्पीति। और एक और चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे एक चीज़ मेंशन की गई है कि सॉइल टेस्टिंग सर्विसेज हैज़ बीन इंक्लूडेड अंडर हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस एक्ट 2011। अब सवाल यहाँ पे आता है कि जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस एक्ट 2011 है, ये है क्या? लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखना कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस एक्ट कब पास हुआ था। काफ़ी बार इस तरह के सवाल आपके पूछे जाते हैं, जिनको हम पॉलिटिकल क्वेश्चंस कंसीडर करते हैं, वो पास हुआ था आपका 2011 में। देखिए, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस एक्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ सर्विसेज जो हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, उन्होंने नोटिफाई कर दिया कि आपका जो सॉइल हेल्थ कार्ड है वो विद इन 60 डेज बनेगा। तो 60 दिन का टाइम पीरियड आपको मिल गया है, तो इसका मतलब है कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने इस स्पेसिफिक सर्विस को गारंटी दे दी है कि 60 दिन के अंदर अंदर जो है वो आपका कार्ड बनेगा। उसी तरह से मान लो राशन कार्ड है, तो वो टाइम दे देंगे कि इतने दिन के अंदर अंदर जो है वो तुम्हारा राशन कार्ड बनेगा। क्लियर है? डन। तो इस स्पेसिफिक एक्ट का मतलब था कि कुछ सर्विसेज को नोटिफाई किया जाएगा जहां पे टाइम बाउंड डिलीवरी होगी, कि आज अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो कुछ दिनों के अंदर अंदर जो है वो आपको वो जो है वो डिलीवर होके मिलेगा ही मिलेगा। वैसे इस एक्ट के अंदर जो है वो चीज़ लिखी गई है कि मिनिमम आपका 30 से लेके 45 दिन तक जो है वो किसी स्पेसिफिक सर्विसेज का टाइम बाउंड हो सकता है या टाइम पीरियड हो सकता है जिसके अंदर आपको वो सर्विसेज जो वो प्रोवाइड करनी है। जो सॉइल हेल्थ कार्ड्स हैं उनका आपका 60 दिन का टाइम पीरियड जो है वो स्पेसिफिक एक्ट के अंदर लिखा गया है। इस एक्ट के अंदर इस पर्टिकुलर टाइम पे टोटल 188 सर्विसेज हैं और 27 डिपार्टमेंट जो वो स्पेसिफिक एक्ट के अंदर आते हैं। क्लियर है? तो ये थोड़ी सी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, इसको मेमोराइज कर लेना, याद करना, ये सर्वे के अंदर तो नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको इस तरह की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए। अगला आ गया, दैट इज योर टी डेवलपमेंट। बस एक चीज ध्यान रखो आप कि जो एरिया है टोटल हमारे राज्य में, हमारे हिमाचल में, वो कितना है टी के अंदर, टी प्रोडक्शन के अंदर, वो आपका है 2311 हेक्टेयर। हिमाचल के अंदर 2311 हेक्टेयर एरिया जो है वो टी डेवलपमेंट के अंदर आ रहा है। और उसके साथ साथ अगेन यहाँ पे भी जो आपके स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको 50% की सब्सिडी जो है वो टी जो आपका प्लांटेशन है उसमें प्रोवाइड की जाती है। अगला देखिए, अगली स्कीम है, दैट इज मुख्यमंत्री नूतन पोली हाउस योजना। अब सबसे पहले तो सवाल आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोली हाउस। तो देखिए, आप सब लोगों ने आसान भाषा में, देसी भाषा में सुना होगा ग्रीन हाउस। हम बोलते हैं ना कि ग्रीन हाउस लगाया हुआ है इसने। अब देखिए यार, ग्रीन हाउस का एक टाइप आपका है पोली हाउस। ग्रीन हाउस का ही एक टाइप है पोली हाउस। पोली हाउस के अंदर जो है वो हम लोग पोली इथाइलीन को यूज करते हैं, पोली इथाइलीन को यूज करते हैं। ग्रीन हाउस बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि
हमारी जो फसलें हैं, हमारे जो सॉरी हमारे जो फ्रूट्स हैं, हमारे वेजिटेबल्स हैं, वो ख़राब हो जाते हैं बहुत जल्दी, अगर नॉर्मली हम लोगों उन्होंने उनको हमने खेत में सो किया हो, और उसके साथ साथ कभी क्लाइमेट का इम्पैक्ट भी है उनके ऊपर नेगेटिव पड़ता है। तो यही कारण है कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर जो अलग अलग ग्रीन हाउस लगाए जाते हैं, जिनको ऊपर से कवर किया जाता है, एक शीट के थ्रू कवर किया जाता है। अब देखना, ये शीट जो है वो प्लास्टिक की हो सकती है, मतलब पॉलीथीन की हो सकती है, ये शीट जो है वो ग्लास की हो सकती है। तो ग्रीन हाउस के अलग अलग टाइप्स हैं, वो ग्लास के हैं, वो पोली इथाइलिन के हैं। तो जो शीट या जो जो आपका ग्रीन हाउस जिसमें पोली इथाइलिन शीट को यूज़ किया जाएगा, सिर्फ इसलिए ताकि प्रॉपर फोटोसिंथेसिस हो सके और आपके अलग अलग तरह के जो प्लांट्स हैं या फ्रूट्स हैं और या वेजिटेबल्स हैं, उनको हम लोग प्रोड्यूस कर सके, उसको हम लोग कह देते हैं दैट इज़ पोली हाउस योजना। तो सरकार ने, क्योंकि आप सब लोगों को पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मेन ऑब्जेक्टिव है कि 2022 तक आते आते हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम को दुगना करना है, डबल करना है, तो उसी संदर्भ में, उसी कंटेक्स्ट में इस स्पेसिफिक स्कीम को जो है वो लॉन्च किया गया है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो एग्रीकल्चर, नॉर्मल एग्रीकल्चर है, वो उतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। यही कारण है हम लोगों को हॉर्टिकल्चर के ऊपर या इस तरह का जो ग्रीन हाउसेज हैं या पोली हाउसेज हैं उनके ऊपर ज़्यादा ज़्यादा जो है वो डिपेंडेंसी शो करनी पड़ रही है। सरकार ने इस स्पेसिफिक स्कीम को 2019, 2020, 2019 और 20 में लॉन्च किया था। इस स्कीम के अंतर्गत का या इस स्कीम का मेन औचित्य था कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो 5,000 टोटल पोली हाउसेज जो है वो हम लोगों ने बनाने हैं, और उसके साथ साथ टोटल 85% सब्सिडी जो है वो सरकार के द्वारा बियर की जाएगी अगले 4 सालों के लिए। 4 सालों का मतलब क्या है, 2019 से लेके 2023 तक, 2023 तक, ठीक है, 4 सालों के लिए इस स्कीम के अंदर 85% सब्सिडी जो है वो सरकार के द्वारा दी जा रही है। मतलब 85% खर्चा जो है वो आपकी सरकार बियर करेगी। तो उसी संदर्भ में या उसी लिए यहाँ पे जो है वो मेंशन किया गया था कि इस स्कीम को जो है वो सरकार ने इतना 78.59 लाख जो था वो लास्ट टाइम अप्रूव किया था, और इसका जो फंडिंग होगा वो आपका नवार्ड का रहेगा। आप सब लोगों को पता होना चाहिए नवार्ड के पास एक फंड रहता है RIDF, दैट इज़ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो RIDF जो है इस फंड को अलग अलग क्षेत्रों के की डेवलपमेंट के लिए लगाया जाता है, स्पेशली जो रूरल एरियाज़ में, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो आपका क्रेडिट है गाँव के अंदर और लोगों को प्रदान किया जा सके, वहाँ से नवार्ड जो है वो फंडिंग प्रोवाइड करता है। तो ये पैसा भी नवार्ड के पास जो है वो इन्होंने अप्रूवल के लिए सबमिट कर दिया है। जैसे नवार्ड अप्रूव करेगा, ये पैसा जो है वो हमारे हिमाचल को मिल जाएगा। उसके साथ नेक्स्ट आपका आ जाएगा, दैट इज योर नेक्स्ट आपका अगली स्कीम है, दैट इज उत्तम चारा उत्पादन योजना। ये तो नाम से पता चल रहा है, वैसे ये स्कीम 2015 में लॉन्च की गई थी, थोड़ी सी पुरानी स्कीम है। उत्तम चारा उत्पादन योजना, उत्तम चारा का मतलब सिंपल सा है कि किस तरह से जो फॉडर है, जो चारा है आपके पशुओं का, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। क्योंकि जितना ज़्यादा तुम उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, उतना ही ज़्यादा जो लाइव स्टॉक है, जो तुम्हारा जो तुम्हारी भैंसे हैं, गायें हैं, वो उतना ही ज़्यादा दुधारू या उतना ही ज़्यादा दूध जो है वो आपको देंगे, जिससे जिसके कारण कहीं ना कहीं जो किसान है उनको भी फ़ायदा रहेगा। तो टोटल इसमें था कि जो टोटल पूरा, ये याद रखना बस कि इस स्कीम के अंदर टारगेट ये है कि 25,000 हेक्टर एरिया जो है वो उसको क्वालिटी फॉडर, फॉडर मतलब क्वालिटी चारे के अंदर जो है वो एक तरह से यूज किया जाए। नेक्स्ट अगला स्कीम आपका है, दैट इज मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना। नाम से पता चल रहा है मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना का मतलब क्या है, कि जो आप लोगों ने देखा है कि हमारे यहाँ पे गांव में क्या रहता है कि खेतों के आसपास बंदर आ जा रहे हैं या कभी कभी सुअर आ जा रहे हैं, तो किस तरह से उनको जो है वो खेतों के अंदर आने से रोकना है। और नॉर्मली हिमाचल प्रदेश में ये चीज़ हर जगह देखी जाती है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि मान लो किसी का खेत है, किसी का मान लो एक फील्ड है, उस फील्ड के चारों तरफ जो है वो फेंसेस लगा दो। अब फेंसेस लगाओगे मतलब बाड़ लगा दो, जिसको आप देसी भाषा में बोलते हो। अगर तुम फेंस लगाओगे इसके चारों तरफ, तो कहीं ना कहीं जो फेंसेस फेंस है उसके पास जो जानवर है, क्योंकि जो सुअर वगैरह है वो तो उस फेंस को ईजिली तोड़ देगा। तो इसके अंदर जो है वो तुम लोगों ने थोड़ा सा जो है वो बड़ा बहुत ज़्यादा तो नहीं, छोड़ा थोड़ा सा करंट भी यहाँ पे छोड़ा हुआ है। तो इसके लिए जो एनर्जी आएगी उसके लिए अलग अलग नियर बाई एरियाज़ में सोलर पैनल्स बनाए गए हैं। वो सोलर पैनल जो हैं वो इन जो फेंसेज हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, क्लियर, ताकि जो जानवर है वो आपके खेतों तक ना सके। तो इस स्कीम के अंतर्गत टोटल जो सब्सिडी प्रोवाइड की गई है सरकार के द्वारा, वो टोटल सब्सिडी आपकी है कितनी, 80% सब्सिडी जो है वो सरकार के द्वारा दी गई है। 2019-20 में 35
35 करोड़ रुपीस जो तो वो सेंक्शन किया गया था, और ऐसा उम्मीद है कि कम से कम 2000 हेक्टेयर की जो लैंड है उसको फेंस किया जाएगा, जहां पे सोलर फेंस जो हैं उनको यूज़ किया जाएगा। अगली स्कीम तुम्हारी है, दैट इज़ मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहार मजदूर जीवन सुरक्षा योजना। देखिए, पहला चीज़ आप लोगों को ज़्यादा रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, नाम से चीज़ों का पता चलता है। मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहार मजदूर, किसान तो आपके आगे फार्मर्स, खेतीहार मजदूर मजदूर तुम्हारे आगे जो खेतों के अंदर काम करने वाली लेबर हैं, उनके जीवन सुरक्षा योजना मतलब उनके लिए लाइफ इंश्योरेंस का जो है वो एक तरह से प्रावधान है। क्लियर? अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो स्पेसिफिक स्कीम है ये उन लोगों के लिए है। मान लो कभी कभी आप लोग देखते हो कि हमारे यहाँ पे जैसे कभी ट्रैक्टर चलाते चलाते जो है वो किसी जो फार्मर है उसकी डेथ हो जाती है, कभी ट्रैक्टर आपका जो है वो पलट जाता है, कभी कभी आपकी फार्म मशीनरी को करते करते जो है वो हाथ कट जाता है, काफ़ी जो आपके लेबरर्स हैं या स्पेशली जो फार्मर्स हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इतने ज़्यादा लेबरर्स तो आप लोगों को नहीं देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो इस स्कीम के अंतर्गत जो है वो उन लोगों को प्रोटेक्शन दी गई है कि अगर कल को खेती करते हुए कोई भी उनको प्रॉब्लम आती है, चाहे वो डिसेबल्ड हो जाते हैं, चाहे उनकी डेथ हो जाती है, तो उनके परिवार को जो है वो कुछ पैसा सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और एक कंडीशन यहाँ पे है कि जो भी काम करने वाला होगा वो 14 साल से कम एज का नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 14 ईयर्स, 14 साल से कम का बच्चा जो है वो खेतों में मजदूर के रूप में या फार्मर के रूप में नहीं काम करेगा, क्योंकि 14 साल से ज़्यादा बच्चों के लिए ही ये स्पेसिफिक स्कीम जो है उसको एक्सटेंड किया गया है। तो इस स्कीम का मतलब है कि अगर मान लो किसी की डेथ हो जाती है या परमानेंट डिसेबिलिटी मतलब वो जिंदगी में कभी काम ही नहीं कर पाएगा, उसको 1.5 लाख रुपया प्रोवाइड किया जाएगा। और पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाती है, जैसे मान लो एक उंगली कट गया या कुछ है ना, थोड़ा सा चल तो सकता है लेकिन ढंग से नहीं चल पाएगा, अगर पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाएगा तो उसके लिए जो है वो 50,000 रुपया जो है वो सरकार के द्वारा सेंक्शन किया जाएगा। क्लियर? ईजी, प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट आ गया, दैट इज लिफ्ट इरिगेशन एंड जो आपका बोरवेल स्कीम है, तो इसको एक बार आप लोग रीड कर लेना। यहाँ पे 9.91 करोड़ जो है वो प्रदान किया गया है, समझाने वाला कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट देखिए, दैट इज योर सौर सिंचाई योजना। सौर सिंचाई का सिंपल सा मतलब है कि किस तरह से जो हमारे आप लोगों ने देखे होंगे ना, घरों में पंप यूज़ करते हैं जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो डायरेक्टली लिंक करके पानी जो है वो यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे जो पंप या जब हम लिफ्ट इरिगेशन करते हैं, लिफ्ट में क्या है कि जैसे आपने देखा होगा हिमाचल में मैक्सिमम जगह पे वैसे ही जो है वो वाटर सप्लाई प्रदान की जाती है, कि जैसे मान लो कोई आपकी नदी बह रही है, रिबुलेट है, जिसको देसी भाषा में तुम खड कहते हो, तो वहाँ से तुम लोगों ने देखा होगा काफ़ी गाँवों को, काफ़ी शहरों को जो है वो पानी जो है वो आपका ट्रांसपोर्ट होता है। क्लियर है? तो जब तुम मान लो पंप के थ्रू जो है वो वाटर को पिक करोगे, तो वहाँ पे जो है वो पानी जो आपका पंप है वो सोलर एनर्जी के ऊपर काम करे। क्लियर? तो यहाँ पे सरकार ने जो है वो अलग अलग तरह की सब्सिडीज़ का प्रावधान किया। वैसे मोर ऑर लेस ये कलेक्टिव के लिए नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, ये इंडिविजुअल फार्मर्स के लिए है। तो अगर कोई स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि स्मॉल फार्मर क्या होता है, मार्जिनल फार्मर क्या होता है, और हिमाचल प्रदेश में कितने स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनको 90% असिस्टेंस प्रदान की जाएगी। क्लियर? जो आपके मीडियम एंड बिग फार्मर्स हैं उनको जो है वो 80% तक जो है वो असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। और अगर मान लो 5 लोग मिलके जो है वो सोलर पंपिंग मशीन्स लगाना चाहते हैं अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए, तो उनको जो है वो 100% असिस्टेंस जो है वो सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। और ऐसी एस्टिमेशन है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो 5,850 सोलर एग्रीकल्चरल पंपिंग सेट जो हैं उनको किसानों के लिए अवेलेबल कराया जाएगा। तो एक चीज़ देखिए, धीरे धीरे हब, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो हिली एरियाज हैं वहाँ पे भी तुम्हारा सोलर एनर्जी का पोटेंशियल जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो यही कारण है कि कहीं ना कहीं अब हम लोग जो है वो हाइडल से शिफ्ट कर रहे हैं अपने आप को। वैसे नो डाउट हिमाचल प्रदेश में मैक्सिमम तो कंट्रीब्यूशन हाइडल का ही है और रहेगा भी हाइडल का, लेकिन धीरे धीरे हम लोग जो बाकी रिन्यूएबल एनर्जी के हमारे सोर्सेज हैं उनके ऊपर जो है ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि विंड के लिए उतने ज़्यादा फेवरेबल सिचुएशंस जो हैं वो हमारे राज्य के अंदर नहीं है। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम लोग सोलर और हाइडल तो हमारे पास है ही, लेकिन हाइडल का तुम लोगों को पता है कि हाइडल के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज हैं, डिस्प्लेसमेंट लोगों की हो रही है, वो थोड़े से नेगेटिव हैं। क्लियर? पर चलो, एक खासियत है हमारे राज्य की कि यहाँ पे आप लोग देखो छोटे छोटे मेगावाट के, 2 मेगावाट का, 5 मेगावाट का छोटे छोटे पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं। क्लियर? चलिए छोड़िए, जल्दी चलते हैं नेक्स्ट। अगला आ जाएगा, दैट इज जल से कृषि को बल योजना।
जल से कृषि को बल योजना इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि चेक डैम बनाए जाएं और पॉन्ड्स बनाए जाए ताकि किसान जो है वो इरिगेशन के लिए पानी को यूज कर सके। तो चेक डैम तो आई थिंक आप लोगों को पता होगा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारा एक कोई खड बह रही है या एक नदी बह रही है, तो तुम लोग क्या करोगे यहाँ पे कुछ मान लो 2 मीटर का 3 मीटर का जो है वो एक चेक डैम बना दोगे। अब पानी आएगा तो पानी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा और बाकी बाकी अगर ज़्यादा ओवरफ्लो होगा वो पानी जो है उसको क्रॉस कर देगा। तो ये जो वाटर आपका रुका इसको किसान जो है वो इरिगेशन के लिए यूज़ करेंगे। और नॉर्मली एक चीज़ देखिए, जब आप लोग हिमाचल में खेती देखते हो तो मैक्सिमम जो खेती है वो तुम्हारी वैली एरियाज में है, मतलब नदियों के आसपास वाले एरियाज में है। तो वहाँ पर जो है वो इस तरह के पॉन्ड्स या चेक डैम बनाना कहीं ना कहीं इरीगेशन के लिए नेचुरल भी है, बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ है कि जो पूरे का पूरा खर्चा है 100% कॉस्ट जो है वो सरकार को बियर करनी पड़ेगी। बियर करनी पड़ेगी क्या, सरकार बियर करेगी ताकि पूरे की पूरी कम्युनिटी या जो हमारी फार्मर्स हैं उनकी इनकम को इंक्रीज़ किया जा सके। एक चीज़ ध्यान रखना, वैसे चलिए नो डाउट हम प्री के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन कल को पूछा जाता है कि कौन कौन से हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा एग्रीकल्चरल स्कीम्स कौन कौन सी हैं, तो सारे के सारे स्कीम्स जो हैं वो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई हैं। और सरकार का जो यूनियन गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग चाहते हैं फार्मर्स की इनकम को दुगना करना, डबल करना, वो इनकम तभी दुगनी हो सकती है जब राज्य उसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो तुम्हारा स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो उसी तर्ज के ऊपर हिमाचल प्रदेश ने इन सब स्कीम्स या प्रोग्राम्स को बनाया हुआ है ताकि हमारे फार्मर जो है उनकी इनकम दुगनी हो सके। और सबसे पहले मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे यहाँ पर इरीगेशन का उतना ज़्यादा प्रावधान नहीं है, उतना ज़्यादा एरियाज इरीगेशन के अंदर नहीं है। और जितने एरियाज इरीगेशन के अंदर या जितना ज़्यादा एरिया इरीगेशन के बाहर रहेगा उतना ही अनप्रडिक्टेबिलिटी रहेगी एग्रीकल्चर के ऊपर, और क्लाइमेट जो है वो ज़्यादा अपना इम्पैक्ट डालेगा कि कल को बारिश नहीं हुआ तो आपका एग्रीकल्चर जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। चलिए नेक्स्ट आ गया आपका हॉर्टिकल्चर। देखिए यार, हॉर्टिकल्चर कुछ नहीं है, हॉर्टिकल्चर जो है वो आपकी एग्रीकल्चर के अंदर ही ब्रांच है, एग्रीकल्चर का ही पार्ट माना जाता है, जिसमें आप लोग फ्रूट्स फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनके ऊपर जो वो ज़्यादा मेन फोकस करते हैं। और अगेन हिमाचल प्रदेश, क्योंकि मैंने आपको बताया हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी पंजाब और हरियाणा की तरह एग्रीकल्चरल फील्ड्स नहीं हैं, तो यही कारण है कि शायद हिमाचल में आप लोग ग्रेन प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा नहीं कर सकते हो। लेकिन हमारा जो क्लाइमेट है वो हॉर्टिकल्चर के लिए, फ्रूट्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, फ्लावर्स के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। तो कहीं ना कहीं तुम लोगों का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो हॉर्टिकल्चर के ऊपर ज़्यादा रहना चाहिए। अब देखिए यहां से तुम्हें आइडिया लगेगा कि कैसे हिमाचल ने जो वो ग्रो किया है। 1950-51 की अगर मैं बात करूंगा तो हिमाचल का जो टोटल एरिया अंडर हॉर्टिकल्चर या अंडर फ्रूट फ्रूट प्रोडक्शन था, क्योंकि फ्रूट मेजर पोर्शन है हमारा, जो अंडर फ्रूट प्रोडक्शन था वो 792 हेक्टेयर था। और अगर मैं 2018-19 की बात करूंगा तो अब देखो कितना है, 232,139 हेक्टेयर, 232,139 हेक्टेयर्स। तो तुम लोग देख लो, तो एक फैक्ट तो आप लोग ये याद करोगे। दूसरा फैक्ट याद करोगे कि टोटल जो फ्रूट प्रोडक्शन है हिमाचल प्रदेश के अंदर 18-19 में वो कितनी है, वो आपकी है 4.95 लाख टन। क्लियर? और आगे में अगर मैं बात करूंगा तो ये आपकी है 7.07 लाख 2019-20, जो कि दिसंबर तक का डाटा है, क्योंकि सर्वे आपका जनवरी के आसपास कंपाइल हो जाता है, तो 3 महीनों का डाटा, फिर अगला जब सर्वे आएगा तो उसमें 2019-20 के बारे में हमें ज़्यादा अच्छे ढंग से पता चलेगा। तो यहाँ पे 2018-19 का डाटा हमारे पास परफेक्ट है, तो यहाँ पे तुम लोग मैं याद कर लेना कि टोटल फ्रूट प्रोडक्शन आपकी है 4.95 लाख टन। इसके साथ साथ अगर नेक्स्ट देखेंगे, दैट इज़ ड्यूरिंग 2019-20, क्लियर, जो आपका टोटल टारगेट एरिया था कि फ्रूट के अंदर लेके आएंगे वो आपका था 1,950 हेक्टेयर, लेकिन आप लोगों ने अपने टारगेट से ज़्यादा एरिया को फ्रूट प्रोडक्शन के अंदर लेके आए हो, 2,113 हेक्टेयर एरिया जो है वो फ्रूट प्रोडक्शन के अंदर आ गया है। देखिए थोड़े से फैक्ट्स जो मैंने स्पेशली हाईलाइट किए हैं, इन फैक्ट्स को जो है वो आप लोग थोड़ा सा पिक करना और मेमोराइज करने की कोशिश करना। अगला प्रोग्राम हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, दैट इज़ हिमाचल खुम्ब विकास योजना। तो पता ही होगा आप लोगों को खुम्ब किसको कहते हैं, खुम्ब विकास, खुम्ब का मतलब यहाँ पे है कि मशरूम कल्टीवेशन जो है उसको किस तरह से आपके राज्य में इंक्रीज किया जा सके। अगला है मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस रिनोवेशन स्कीम, कि जो आपके पुराने पोली हाउसेज हैं उनको किस तरह से फिर से रिन्यू किया जाए, उसके लिए जो है वो स्पेसिफिक स्कीम जो है वो सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है, और 1 करोड़ रुपया जो है वो इसको सैंक्शन किया गया है, और 20 करोड़ रुपया सैंक्शन किया गया है अगेंस्ट दी एंटी हेल नेट्स,
जो आप लोगों ने देखा है कि ओले से हमारी फसल जो बहुत ज़्यादा बर्बाद होती है, तो कहीं ना कहीं जो हेल स्टॉर्म जब आ रहा है तो उस पर्टिकुलर टाइम पे किस तरह से अपने जो फील्ड्स उनको बचाया जा सके, उसके लिए 20 करोड़ सरकार ने सेंक्शन किया है। देखिए यार, इतना स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन तो शायद नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगेन फिर भी आप लोग, टाइम है आप लोगों के पास, बार बार मल्टीपल टाइम रिवाइज करते रहिए, आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट आ गया फ्लोरिकल्चर। आ गया फ्लोरिकल्चर आपकी सब फील्ड है इसी के अंदर, हॉर्टिकल्चर के अंदर, जिसमें फ्लावर्स के ऊपर मेन फोकस किया जा रहा है। तो देखिए जिस तरह से हमने फ्रूट प्रोडक्शन या फ्रूट के अंदर जो टोटल एग्रीकल्चर एरिया है उसको डिस्कस किया, उसी संदर्भ में आप लोग देखिए कि टोटल फ्लावर्स के अंदर आपका एरिया कितना है, 493.47 हेक्टेयर। और हिमाचल के अंदर फ्लावर कल्टिवेशन को प्रमोट करने के लिए मॉडल फ्लावर कल्टिवेशन सेंटर्स बने हुए हैं, ये याद रखोगे सब लोग, ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दो मॉडल फ्लावर कल्टीवेशन सेंटर्स है जहाँ पे पूरे राज्य में जो है वो फ्लावर्स को भेजा जाएगा। वो सेंटर्स आपके हैं महोग भाग, जो कि चायल आपका डिस्ट्रिक्ट सोलन में है, और दूसरा पालमपुर जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, इसके बारे में आप सब लोगों को पता है। इसके साथ साथ जो आपकी कॉपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, 9 फार्मर कॉपरेटिव सोसाइटीज़ भी काम कर रही हैं फॉर द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ फ्लावर्स। ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, शिमला के अंदर 3 हैं, कांगड़ा के अंदर 2 हैं, लाहौल के अंदर 2 हैं, सोलन के अंदर 1 है, और एक जो है वो आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, इसको भी ध्यान रखना कि कौन कौन से जो राज्य हैं, या सॉरी आपके राज्य के अंदर, आपकी स्टेट के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर आपकी फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनी हैं, जिनका मेन जो लक्ष्य है वो है राज्य के अंदर, स्टेट के अंदर फ्लावर कल्टिवेशन को प्रमोट करना। चलिए अगला एग्रीकल्चर, ये भी लाइफ स्टॉक भी आपका एग्रीकल्चर का ही पार्ट माना जाता है। देखिए 1981 से पहले एग्रीकल्चर मींस ओनली फूड ग्रेन्स, ठीक है। उसके बाद जिन्होंने जो एग्रीकल्चर की डेफिनेशन थी इसको रीडिफाइन किया, लाइफ स्टॉक है, फॉरेस्ट्री है, फिशरीज है, ये सब कुछ जो है वो आपका हॉर्टिकल्चर है, ये सब कुछ जो है वो आपका अब इस पर्टिकुलर टाइम पे एग्रीकल्चर की डेफिनेशन में आता है, तभी हम कहते हैं एग्रीकल्चर एंड लाइट सर्विसेज, क्लियर। अब देखिए अगर मैं लाइव स्टॉक्स की बात करूंगा तो लाइव स्टॉक्स में यहाँ पे छोटा सा इन्फॉर्मेशन है कि टोटल मिल्क प्रोडक्शन कितना हुआ। टोटल मिल्क प्रोडक्शन आपका हुआ 14.60 लाख टन। और देखिए ये थोड़ा सा डाटा है, इसको याद रख लेना, कितना हुआ आपका 14.60 लाख टन। और पर कैपिटा अवेलेबिलिटी, पर ग्राम की अगर बात की जाए, पर डे की बात की जाए, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर हर एक इंसान को जो है वो एवरेज 584 ग्राम पर डे जो वाटर है वो अवेलेबल है, क्लियर है, सॉरी पानी नहीं, पार्डन, दूध जो है वो आपको अवेलेबल है, क्लियर। नेक्स्ट आपका है दूसरा, देख लीजिए जो वूल आपको मिला वो कितना है, जो वूल आपको मिला वो आपका है 1503 टन। जो एग्स टोटल हैं, जो आपका मीट है, वो सारे का सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है ये जो चार्ट आपका बना है जिसमें लिखा है कि टोटल मिल्क प्रोडक्शन जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर कितनी है, फिर से रिपीट करो, वो आपकी है 14.60, और जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है वो आपका है 584 ग्राम, क्लियर। नेक्स्ट दूसरा, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आपकी स्लाइड यहाँ पे शो हो रही है ये काफ़ी रिलेवेंट और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो आपकी शीप की क्वालिटी या उसके वूल की क्वालिटी, उसके ऊन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट के शीप ब्रीडिंग फॉर्म हैं, ये याद रखेंगे कहाँ कहाँ हैं, ज्योरी, ज्योरी कहाँ पर है, शिमला में, ताल आपका कहाँ पर है, हमीरपुर में, और तीसरा आ जाएगा करचम आपका कहाँ पर है, किन्नौर में। दूसरा ध्यान रखना, 1 RAM सेंटर एट नगवाएं, नगवाएं जो है वो आपका कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट सोलन में। आई थिंक सब लोगों को पता होगा आप में से कि जो नगवाएं हैं उसका, या सॉरी जो आपका रैम्स है वो क्या होते हैं। देखो आप लोगों ने देखा होगा ना, बड़ी बड़ी भेड़े होती है जिनके बहुत बड़े बड़े सींग निकले होते हैं, तो उनको हम लोग जो है वो नॉर्मली रैम्स बोलते हैं, क्योंकि ये जब भी इनको कुछ चाहिए होते हैं अपने सींग के साथ जो है वो एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ सर जो है वो मारते रहते हैं, चाहे वो इंसान से लड़ रहे हैं चाहे वो आपस में लड़ रहे हैं। तो आसान भाषा में जो आपकी रैम्स है वो ऐसा रख लो कि जो आपकी बड़े बड़े सींगों वाली, बड़े बड़े हॉर्न्स वाली जो आपकी भेड़े होती है, शीप होती है, उसको जो है वो आप लोग रैम्स कहते हैं। तो उनका जो ब्रीडिंग सेंटर है वो भी बनाया गया है आपका कहाँ पर, नगवाएँ आपका कहाँ पर है, मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसके साथ साथ आप लोगों ने सुना होगा अंगूरा रैबिट। देखिए यार, अंगूरा रैबिट जो है ये सबसे पुराना डोमेस्टिक रैबिट जो है वो कंसीडर किया जाता है। ये आपका टर्की के अंदर एक जगह है
दैट इज़ अंकारा, वहाँ से जो है वो बेसिकली रैबिट जो है वो आपका ओरिजिनेट हुआ है। तो अंगोरा रैबिट जो है वो, उसकी खासियत क्या है कि इसका जो फाइबर होता है ना, जो इसका बाहर का जो ऊन वगैरह है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और साथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी होती है, स्ट्रेंथ भी उसकी बहुत ज़्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं सर्दियों में जो है वो उसको हम वार्म्थ के लिए यूज़ करते हैं। तो अंगोरा रैबिट फार्म जो हैं वो आपके बने हैं कंडवाड़ी, कंडवाड़ी आपका कहाँ है कांगड़ा में, और साथ में आपके बने हैं नगवाएँ, नगवाएँ आपका कहाँ पे है मंडी में, ताकि इन स्पेसिफिक अंगोरा रैबिट्स को जो हम लोग हिमाचल प्रदेश के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो ये स्लाइड आई थिंक सबसे ज़्यादा रिलेवेंट है। इसमें आप लोग देखो टोटल मिल्क प्रोडक्शन कितना है, और उसके साथ साथ जो है वो आप देखो कि पर कैपिटा मिल्क प्रोडक्शन कितना है, उसके साथ साथ जो है वो आप देखो कि कहाँ कहाँ शीप ब्रीडिंग फार्म्स हैं, उनमें एक रैम्स जो शीप का ही एक स्पीशीज है उसके लिए जो फार्म बना है, सेंटर बना है, ब्रीडिंग सेंटर बना है, वो कहाँ पे बना है, अंगोरा रैबिट्स के जो सेंटर्स हैं वो कहाँ कहाँ है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा। चलिए अगला आ जाइए, टोटल फॉरेस्ट्स की बात करें तो इस टाइम पे या टोटल जो हिमाचल प्रदेश का एरिया जो फॉरेस्ट एरिया है वो 37,947 स्क्वायर किलोमीटर है, मतलब पूरे हिमाचल प्रदेश के एरिया का 68.16%। बट अनफॉर्चुनेटली जो रियलिटी में फॉरेस्ट कवर हमारा बचा है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक एरिया है जिसको फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर किया लेकिन उसमें पेड़ नहीं है, पेड़ कट चुके हैं, तो रियलिटी में जो फॉरेस्ट हमारे यहाँ पर मौजूद हैं वो टोटल हमारा सिर्फ 28.60% है। ये सब लोग ध्यान रखना, टोटल जो फॉरेस्ट एरिया है वो आपका 68.16 है, लेकिन उसके अंदर जो फॉरेस्ट कवर आपको देखने को मिलेगा, फॉरेस्ट कवर देखने को मिलेगा, वो फॉरेस्ट कवर आपका है 28.60%। तो ये बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम का जो है वो आपका कारण है। और हमारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने प्लान किया है, अब देखो ये याद रखेंगे सब लोग कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर टोटल फॉरेस्ट कवर जो हमारे राज्य के अंदर जो इस पर्टिकुलर टाइम पे 28.60% है, उसको हम लोग कब 30% या 2030 तक कितना परसेंट इंक्रीज करने का टारगेट है, वो टारगेट आपका है 30% का। क्योंकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, अगेन इसको पिछले लेक्चर में भी देख चुके हैं, बजट में भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, तो SDG जो है उनको अचीव करने के लिए आपका टोटल एरिया का जो फॉरेस्ट कवर, ध्यान रखना फॉरेस्ट एरिया और फॉरेस्ट कवर दोनों डिफरेंट चीजें हैं, तो टोटल फॉरेस्ट कवर आपका 30% होना चाहिए 2030 तक आते आते। यही हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो है वो एक तरह से मेन टारगेट है। क्लियर। इसके साथ साथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया हुआ है कि जो आपका सिल्वीकल्चर फेलिंग है जिसमें आपका खैर है, चील है और चीर जिसको आप चील के पेड़ बोलते हो, चीर जिसको वैसे इंग्लिश में चीर भी कहा जाता है, तो उसको जो है वो काटना अलाउड है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के अंदर ही काटा जा रहा है। ये आपका नूरपुर रेंजेस में है, भरारी रेंजेस जो बिलासपुर में है, और पौंटा साहिब के अंदर जो पौंटा रेंजेस है वहाँ पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इसको अलाउ किया है। तो यही कारण है वहाँ पर तीन, ये ध्यान रखना कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से पेड़ों को अलाउ किया है कटने के लिए, खैर है, चील है और साल है, और कौन कौन सी जगहों के ऊपर किया है, ये आपका किया है इन्होंने नूरपुर में, भरारी में और साथ में पौंटा साहिब में। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, अगला देखिए, अगला आपका जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड स्कीम्स है वो कौन कौन सी हैं। देखो ये जो स्पेसिफिक स्कीम्स हैं यहाँ पे जो है वो मैं बता देता हूँ आपने कौन कौन सी चीज़ों को स्टडी करना है। सबसे पहली स्कीम आपकी है दैट इज सामुदायिक वन संवर्धन योजना। इस स्कीम का सिंपल सा आसान भाषा में बता देता हूँ, आसान नाम से पता चल रहा है, सामुदायिक वन संवर्धन योजना, कि जब पूरा समुदाय, पूरी कम्युनिटी जो है वो फॉरेस्ट के कंजर्वेशन को इम्प्रूव करेगा, फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा, ये उस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा। दूसरा आ जा गया विद्यार्थी वन मित्र योजना। विद्यार्थी वन मित्र योजना का सिंपल सा मतलब यह है कि बच्चों के अंदर फॉरेस्ट से रिलेटेड या नेचुरल कंजर्वेशन से रिलेटेड जो बीज है उसको बोया जाए ताकि बड़े होके वो पेड़ों को ना काटे। और तुम लोग देखना हमारे यहाँ पे स्कूल लेवल के ऊपर भी जो है वो ये हर साल में एक दो बार जो है वो आपकी एक्टिविटी होती है जहाँ पे जो फॉरेस्ट या जो हमारे पेड़ वगैरह जो है वो बच्चों से लगवाए जाते हैं ताकि बच्चों के अंदर जो है वो एक तरह से जो पेड़ों के प्रति या जो हमारा फॉरेस्ट कवर है या जो हमारा नेचर है, हमारी एनवायरमेंट है, उसकी कंजर्वेशन के प्रति जो है वो एक भावना जागृत हो। उसके बाद आपका जाएगा दैट इज वन समृद्धि जन समृद्धि योजना। जो वन समृद्धि जन समृद्धि योजना है इसका सिंपल सा मतलब है, देखिए जो अब अगर आप आई थिंक आप सब लोग गांव से बिलोंग करते होंगे या आपको पता है कि गांव में जो पेड़ है उनका क्या महत्व है। पेड़ जो है वो गांव के अंदर सिर्फ लकड़ी के लिए, टिम्बर के लिए यूज़ नहीं किए जाते हैं कि तुमने घर बना लिया, तुमने दरवाजे बना लिए,
गांव में जो पेड़ हैं वो पशुओं के चारे के लिए यूज़ किए जाते हैं, गांव में जो पेड़ हैं वो आपका एनर्जी के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिसमें तुम लोगों ने देखा होगा कि जो पुराने गांव के जो चूल्हे होते थे वहाँ पे लकड़ी को एज ए फ्यूल जो था वो यूज़ किया जाता था। जो आपके पेड़ है वो एक तरह से तुम्हारी जो रिक्रिएशन नीड है उसको भी सेटिस्फाई करते हैं, क्लियर। तो पेड़ जो है उनका नॉन टिम्बर पर्पस, मतलब लकड़ी के अलावा जो बाकी पर्पस हैं कि लोगों को जो है वो जागरूक किया जाए कि देखिए पेड़ जो है वो तुम्हारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुम लोग देखना आजकल भी जो तुम लोग देखते होंगे कि तुम्हारे गांव में या तुम्हारे शहर में तुम्हारे घर में, और इस टाइम पे आई थिंक तुम घर पे यही देख रहे होंगे, और हो सकता है तुम में से कुछ लोग ये काम कर भी रहे हों कि शाम को जाके जो है वो पेड़ से काट लिया, करयाले जिसको तुम कहते हो उसमें से जो है वो चारा जो है वो पशुओं के लिए दे दिया, ठीक है। तो बेसिकली जो वन समृद्धि जन समृद्धि योजना है ये वही है कि जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको जो है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, जैसे बिरोजा तुमने देखा होगा, ठीक है, उसको जो है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए ताकि लोग जो है वो भी अपने लिए भी उसको यूटिलाइज कर सके, यूज़ भी कर सके। तो यहाँ पे ये 7 राज्यों में जो वो पहले इम्प्लीमेंट किया जाए, पार्डन, 7 डिस्ट्रिक्ट्स में पहले इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसके बाद पूरे जो हमारा राज्य है पूरी स्टेट है उसमें इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसमें जो आपके नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको बेचा भी जाएगा, अगेन जो मैंने कमर्शियल पर्पज़ के लिए बिरोजा का एग्जाम्पल दिया था, बाकी तो मैं सिर्फ एक जनरल पर्पज़ के लिए तुम लोगों को बता रहा था, जैसे चंबा है, कुल्लू है, मंडी, शिमला, सिरमौर, किन्नौर है, लाहौल स्पीति। नेक्स्ट स्कीम आपकी है एक बूटा बेटी के नाम, इसमें जो है वो आपका जो लड़की का पिता होगा या लड़की के जो सॉरी पेरेंट्स होंगे वो जैसे ही जिस घर में बेटी है वहाँ पे मॉनसून के दौरान या विंटर सीजन्स के दौरान जो है वो एक अपने घर की लैंड के ऊपर या सरकारी ज़मीन के ऊपर जिसको आप शामला कहते हैं वहाँ पे लड़की के नाम पे जो है एक बूटा लगाएंगे, क्लियर है। और ये स्कीम जो थी वो 2019-20 में प्रिपेयर की गई, ये दोनों इससे पर्पज़ सॉल्व हो गए, इससे तुम्हारा फॉरेस्ट कवर के ऊपर का पर्पज़ भी सॉल्व हो गया कि पेड़ लगा रहे हो फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ हो रहा है, और उसके साथ साथ जो है वो जो तुम्हारी वुमेन जो आप तुम्हारी सेक्स रेशियो हिमाचल प्रदेश के अंदर भी जो कम होती जा रही है उसके लिए एक अवेयरनेस कैंपेन भी हो गया। तो कहीं ना कहीं जैसे तुम अपने बच्चों को नर्चर करोगे वैसे ही अगर तुम उस पेड़ को भी नर्चर करोगे तो अगेन तो हमारी जो एक एक एम्पथी है, हमारा जो एक अटैचमेंट है फॉरेस्ट के साथ, पेड़ों के साथ, नेचर के साथ, वो इंक्रीज होगा। और हिमाचल प्रदेश जैसा राज्य जो कि अभी भी कहीं ना कहीं जिसको हम लोग एक सिनेटिक ब्यूटी के लिए जानते हैं, अगर हम इसको बचाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि आज से 10, 15, 20 साल के बाद इसके हालात वैसे ना हो जाएं जहां से आप लोग आए हो, और तुम यहाँ पे आके हमेशा अप्रिशिएट करते हो कि यहाँ की जो ज़िंदगी है वो अच्छी है, तो उसके लिए तुम लोगों को नेचर से प्यार करना पड़ेगा, क्लियर। चलिए बहुत चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को मिटिगेट करने के लिए, इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए 2 प्रोजेक्ट्स हैं, दोनों के ऊपर या जो पहले वाला प्रोजेक्ट है इसके ऊपर 2-3 साल पहले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और ये इकोनॉमिक सर्वे में हमेशा इस प्रोजेक्ट को जो वो मेंशन किया जाता है। देखिए एक आपका प्रोजेक्ट है दैट इज हिमाचल प्रदेश, अब देखो सवाल इतना बड़ा पैराग्राफ है इसमें से सवाल किस तरह से पूछा जाएगा वो देखते हैं। एक आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन स्कीम है दैट इज योर हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट। तो क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट जो है वो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट है उनको किस तरह से मिटिगेट किया जा सके, और जो फॉरेस्ट से निकलने वाले प्रोडक्ट हैं उनको किस तरह से जो कम्युनिटीज फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे मैं थोड़ी देर पहले एग्जांपल भी दे रहा था, उनको जो है वो उसका पूरा प्रॉपर बेनिफिट जो है वो प्रदान किया जाए। तो इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को जो फंड किया है वो आपका जर्मन डेवलपमेंटल बैंक ने किया है। तो पहला सवाल तो आएगा, आगे मैं बताता हूं कि जो आपका सवाल 2-3 साल पहले पूछा था वो सवाल क्या था, पर पहला इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को जो फंड किया है वो जर्मन डेवलपमेंटल बैंक ने किया है। दूसरा, इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को जो इंप्लीमेंट किया गया है वो 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर किया गया है, चंबा के अंदर और कांगड़ा के अंदर। तीसरा, इस स्कीम को जो लॉन्च किया गया वो 2015-16 में किया गया, 7 सालों के लिए इस स्पेसिफिक फंड को जो है वो प्रदान किया गया, और इस फंड में जो शेयर है वो 85.10% शेयर जो है वो जर्मन डेवलपमेंटल बैंक का है, और 14.90% शेयर जो है वो तुम्हारा राज्य का है, तुम्हारी स्टेट का है। तो सवाल यहां से देखो क्या था, बाकी सवाल पूछे जा सकते हैं जो मैंने डिस्कस किया। सवाल था कि हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेटिक प्रूफिंग प्रोजेक्ट जो है वो कौन कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लॉन्च हो रहा है, तो वो 2 डिस्ट्रिक्ट्स आपकी हैं, फर्स्ट इज योर चंबा एंड सेकंड इज योर कांगड़ा। और अब पूछा जा सकता है, हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शेयर कितना है ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को किसने फंड किया है, तो इस तरह के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए।
अगला आपका है दैट इज हिमाचल प्रदेश, सेकंड जो आपका इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है दैट इज हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। देखिए इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का जो मेन मतलब है वो अगेन मोर ऑर लेस सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट क्या है कि यहाँ पे भी जो फॉरेस्ट है उनको कंजर्व करना है, जो माउंटेन इकोसिस्टम है उसको थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर करना है, जो जो डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए अगर तुम फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज़ करोगे तो ऑब्वियस बात है उनके लिए ज़्यादा रिसोर्सेज मिलने शुरू हो जाएंगे। तो मोरल लेस बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्या है, पहला ये प्रोजेक्ट जो था वो 8 साल के लिए लॉन्च किया गया था 15-16 में, जो कि पुराने वाला 7 साल के लिए लॉन्च हुआ है। दूसरा इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का जो फंडिंग प्रदान किया है वो आपका किया है जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी ने। तीसरा इसका जो फंडिंग पैटर्न है वो पुराने वाले से थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे 80% JICA देगा दैट इज़ जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी देगी, और जो 20% शेयर रहेगा ये तुम्हारे राज्य का होगा, तुम्हारे हिमाचल का रहेगा। और अगला और इम्पॉर्टेंट, इसको कहाँ कहाँ लॉन्च किया गया है, तो इसको लॉन्च किया गया है बिलासपुर में, इसको लॉन्च किया गया है कुल्लू में, इसको लॉन्च किया गया है मंडी में, इसको लॉन्च किया गया है शिमला में, इसको लॉन्च किया गया है किन्नौर, लाहौल स्पीति, पांगी और भरमौर, दो की चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और साथ में ध्यान रखना इसका जो आपका हेडक्वार्टर है वो कुल्लू शामशी में है, अगेन डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है तुम्हारी कुल्लू, और इसका जो रीजनल ऑफिस है वो रामपुर में है, रामपुर तुम सब लोगों को पता है, रामपुर तुम्हारा है कहाँ पे, शिमला में। तो थोड़े थोड़े फैक्ट्स थे 3-4, ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स में से एक स्लाइड थी, तो आप लोग इसको भी थोड़ा सा मेमोराइज कर लेना। अब देखिए नेक्स्ट आपका आ जाएगा दैट इज वर्ल्ड बैंक एडेड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑन सोर्स सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट रेन फेड एग्रीकल्चर। सेम वाटर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, एफिशिएंसी, मिल्क प्रोडक्शन, लाइवलीहुड, ओवरऑल एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए, स्पेशली जो रेन फेड एरियाज है वहाँ पे, तो यहाँ पे आपका गेन 80% वर्ल्ड बैंक का फंड रहेगा, 20% जो है वो तुम्हारे हिमाचल प्रदेश का। 7 साल के लिए जो है वो इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। ये प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया जाएगा वो आपका 900 ग्राम पंचायत में किया जाएगा, जो तुम्हारे शिवालिक हिल्स में मेजोरिटी में जो है वो आपके सिचुएटेड हैं, या तुम्हारे मिडल हिमालयाज के अंदर हैं। इस मेन प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जो है, इस मेन जो आपका प्रोजेक्ट है इसके अंदर आपकी 200,000 हेक्टेयर नॉन एरेबल एंड 20,000 हेक्टेयर एरेबल लैंड को जो है वो इंक्लूड किया जाएगा। अब आसान भाषा में समझा देता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। देखिए आसान भाषा में क्या है कि अब हमारे हिमाचल में काफ़ी ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है, तो जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो सकता वहाँ पे और क्या प्रैक्टिस हो सकती है, वहाँ पे तुम लोग जो है वो लाइवलीहुड या उस वहाँ पे तुम कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के अंदर हॉर्टिकल्चर के ऊपर शिफ्ट कर सकते हो, या कहीं ना कहीं उस स्पेसिफिक जगह के ऊपर तुम लाइव स्टॉक के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हो, मतलब एनिमल्स हस्बेंड्री कर सकते हो। जहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकता है वहाँ पे तुम लोग जो है एग्रीकल्चर को ज़्यादा तवज्जो दे सकते हो, वहाँ पे तुम इरिगेशन लेके जा सकते हो। तो कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये स्पेसिफिक आपका जो प्रोजेक्ट है इसका मेन ओरिएंटेशन, मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो रेन फेड एग्रीकल्चर है उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे एड्रेस किया जाएगा, क्योंकि रेन फेड एग्रीकल्चर आपका बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है। रेन फेड का जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन तो रहता है वो ये है कि वहां पे तुम इरीगेशन जो आपकी अपॉर्चुनिटीज हैं वो प्रोवाइड कर दो, तो कहीं ना कहीं जो अनप्रडिक्टेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर है वो रिड्यूस हो जाती है। पर अगेन नेचर, बारिश के अलावा तुम्हारा हेल स्टॉर्म है, तुम्हारा तूफान चल रहे हैं, तुम्हारा बारिश इवन नहीं हो रहा है, या तुम्हारे जो पेस्ट्स हैं, तुम्हारी डिजीज हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर इंपैक्ट डाल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे तुम लोग रेन फेड एग्रीकल्चर को प्रमोट करोगे विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक का। किन देखो याद क्या रखना है, कितनी पंचायत में प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, क्या फंडिंग का पैटर्न है, कितने साल के लिए है, कितना एरिया आ रहा है इसके अंदर, बस ये जो बाकी क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, पर्सपेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव वगैरह जो है वो तुम्हारे लोगों के लिए रेलेवेंट है जब तुम मेंस वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अब देखिए ये सारे का सारा जो है वो तुम्हारा शेयर है जीवीए का, इसको हम लोगों ने जो है वो लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया था कंसेप्ट हमने कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीवीए। तो यहाँ पे जो है वो उस पूरे को आप सिर्फ ये वाला याद रख लेना, ये कि जीवीए का एग्रीकल्चर का कितना शेयर है, क्रॉप्स का कितना शेयर है, लाइफ स्टॉक का कितना है, फॉरेस्ट्री का कितना है, और फिशरीज का कितना शेयर है। तो ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, स्पेसिफिक डाटा जो है इसको आप लोग मेमोराइज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट आपका आ जाएगा दैट इज़ रिगार्डिंग दी वाटर रिसोर्सेज। देखिए अब टोटल देखो, सब लोगों को पता है आप लोगों को कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है वो है 55.67 लाख हेक्टेयर। उसके अंदर जो 5.87 लाख हेक्टेयर है वो नेट सोन एरिया है, जहाँ पे हम क्रॉप्स को सो करते हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो
प्रोबेबिलिटी है कि अप्रॉक्सीमेटली कितने लाख हेक्टेयर तक जो है वो हम लोग एक तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं इरिगेशन, वो आपकी है 3.35 लाख हेक्टेयर, क्लियर। और अभी तक जो है 2.80 लाख हेक्टेयर लैंड जो है वो इसके अंदर आ चुकी है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितना जो टोटल नंबर ऑफ हैबिटेशन हैं, 54,459 जो है वो आपकी टोटल हैबिटेशन है। इसके साथ जो है वो अगर मैं हैबिटेशन की बात करें कि टोटल हैबिटेशन जहाँ पे 100% पॉपुलेशन कवरेज जो है वो आपकी इरीगेशन के अंदर आ चुकी है, वो आपकी 63.38% है। और हैबिटेशन जहाँ पे 0 से लेके 100% तक आई है वो आपकी 36.62% है, क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, अगर मैं इरिगेशन की बात करूंगा, अगर मैं इरिगेशन की बात करूं तो इरिगेशन से रिलेटेड जो तुम्हारे प्रोजेक्ट्स हैं या कुछ स्पेसिफिक स्कीम्स हैं जो न्यूज़ में है, उसको हम लोग जो है वो एक तरह से देख लेते हैं। सबसे पहले तुम्हारी स्कीम है हैंडपम्प स्कीम, बस इतना याद रख लेना कितने हैंडपम्प तुम्हारे राज्य में बने हैं। पूछा जा सकता है, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा फैक्चुअल है, लेकिन अगेन हम लोगों को इस तरह से प्रिपेयर रहना है। दूसरा आ जाएगा मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट। देखो पहले एक बात सुनो, तीन तरह के तुम्हारे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं। एक तुम्हारा होता है मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट। मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट का मतलब होता है जहां पे तुम्हारी जो टोटल इरिगेशन के अंडर आने वाला एरिया होता है वो मोर देन 10,000 हेक्टेयर होता है। जब 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया होगा वो रहेगा आपका मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट। जब 2,000 से लेके 10,000 के बीच में रहेगा उसको हम लोग कह देते हैं दैट इज योर मीडियम। मीडियम में तुम्हारा होगा 2,000 से लेके 10,000 हेक्टेयर के बीच का एरिया। उसके बाद अगर मैं माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट की बात करूंगा तो माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट होते हैं जो एरिया तुम्हारा लेता रहता है लेस देन 2,000 हेक्टेयर। 2,000 हेक्टेयर से कम का एरिया जो है वो तुम्हारा माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के अंदर आता है, समझ आएगा नहीं। मेजर ऐसा एरिया या ऐसा प्रोजेक्ट जहाँ पे 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया सिंचाई के अंदर या इरिगेशन के अंदर आना है। मीडियम जहाँ पे 2,000 से लेके 10,000 हेक्टेयर के बीच का एरिया आना है। माइनर जहाँ पे 2,000 से कम हेक्टेयर के बीच का एरिया आना है। तो हमारे यहाँ पे जो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो आपका है शाह नहर, जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद है। हिमाचल में सिर्फ एक ही मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है और इसके अंदर जो टोटल लैंड है वो आपकी है 15,287 हेक्टेयर। अगर मैं मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की बात करूँगा तो हमारे यहाँ पे काफ़ी मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं। कुछ मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर काम होना शुरू हो चुका है। जो काम होना शुरू हो चुका है वो तो हम लोगों ने शायद बजट के अंदर डिस्कस भी किए थे, अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद रहेगा। अगर मैं मीडियम इरिगेशन की बात करूंगा तो एक तो तुम्हारा बिलासपुर के अंदर आ गया चंगर, जो 2,750 हेक्टेयर के आसपास है। एक तुम्हारा जो है वो आपका आ गया सिद्धाता, जो आपका कांगड़ा के अंदर है। अगला तुम्हारा आ गया बल वैली आ गया, जो तुम्हारा जो है वो मंडी के अंदर है, क्लियर है। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे ये तो तुम्हारे प्रोजेक्ट है वो जो हो गए हैं कंप्लीट। इस टाइम पे तो तुम्हारे प्रोग्रेस में है एक तुम्हारा है फिना सिंह। तो फिना सिंह जो है वो फिना सिंह तुम्हारा जो प्लांट है वो आपका है नूरपुर के अंदर, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, क्लियर है। और अगला तुम्हारा आ जाएगा नदौन। नदौन आप लोगों को पता ही, नदौन कहाँ पे है तुम्हारा, हमीरपुर के अंदर। तो फिना सिंह नूरपुर में आ गया, नदौन जो है वो आपका हमीरपुर में आ गया। ये दो प्रोजेक्ट जो अंडर आपके इस टाइम पे चल रहे हैं। तो आप लोगों ने बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मेजर तो एक ही है उसका याद रख लेना नाम, और माइनर जो आपके 4-5 है, 3 हो चुके हैं, 2 आपके अंडर एग्जीक्यूशन है। नेक्स्ट देखिए, ये अगेन थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है, इसको आप लोग जो है वो रीड कर लेना। कुछ मतलब प्री के लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने डाल दिया, आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका आ जाएगा क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो है वो स्टेट नॉलेज सेल ऑन क्लाइमेट चेंज बने हैं, जहाँ पे वो असेस कर सके कि कुछ स्पेसिफिक रिवर्स के ऊपर क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट होने वाला है, क्या उनमें फ्लडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी या उनमें पानी नहीं आएगा। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे 4 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है वो क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ब्यास रिवर के ऊपर, और वो ब्यास रिवर बेसिन जिन 4 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ लिंक्ड है वहाँ पे जो है वो उसको स्टडी कर रहा है कि व्हाट इज़ इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन दीज 4 डिस्ट्रिक्ट्स जो कि ब्यास के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है। एक आपका है कुल्लू, मंडी, हमीरपुर एंड कांगड़ा। बस ये छोटा सा ध्यान रखना कि जो आपका स्टेट नॉलेज सेल है जो इस पर्टिकुलर टाइम पे क्लाइमेट चेंज के साथ एसोसिएटेड है वो कौन से 4 राज्यों, 4 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए काम कर रहा है। वो 4 डिस्ट्रिक्ट्स तुम्हारी है कुल्लू, मंडी,
अब देखिए यार, इको विलेजेस का मतलब रहेगा कि जो विलेजेस जो इकोलॉजिकली सस्टेनेबल हो, मतलब वहां पे कोई बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर ना बनाया जाए, जैसा गांव आपका बना है उसी गांव में जो है वो टूरिज्म को एक तरह से प्रमोट किया जाए। दूसरी चीज क्या है कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, जैसे यहाँ पे लिखा ना, टू रिड्यूस दी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बाय एज मच 50%। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, इस मान लो कि ये वैसे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो है वो मेजर करता है कि जैसे इस टाइम पे जो है वो हमारा हम लोगों का इकोलॉजिकल फुटप्रिंट चल रहा है पूरी दुनिया की, अगर मैं बात करूँगा 150%, मतलब कि जितने रिसोर्सेज हैं, मान लो कि अगर 100 रिसोर्सेज है तो हम लोगों की जो कंजम्पशन है वो 150% की कंजम्पशन है। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे हमारे रिसोर्सेज जो है वो क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो इको विलेजेस का बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि किस तरह से उन स्पेसिफिक विलेजेस का जो आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है, मतलब जो डिमांड और सप्लाई में मिसमैच है, आसान भाषा में कि तुम लोगों ने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं करना है, तुमने रिसोर्सेज को सिर्फ अपने स्पेसिफिक यूज़ के लिए जो है वो ये सिर्फ अपने लिए यूटिलाइज करना है। क्योंकि हम लोग जैसे पेड़ तुमने काटने नहीं हैं, पेड़ तुमने लगाने हैं, और उसके साथ साथ पेड़ों के जो बाकी फ़ायदे हैं, जो नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स उनके हैं, उनको अपने लिए जो है वो यूटिलाइज करना है या यूज करना है। तो इसके लिए जो है वो टोटल 11 विलेजेस आइडेंटिफाई की गई हैं। नेक्स्ट आ जाएगा, दैट इज सेटिंग अप ऑफ बायो मिथेनेशन प्लांट एट कुफरी। कुफरी के अंदर जो है वो तुम्हारा जो हाउर हॉर्स डंग है या जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उससे किस तरह से जो है वो आपका मिथेन गैस को प्रोड्यूस किया जा सके, मतलब आसान भाषा में नेचुरल गैस को प्रोड्यूस किया जा सके, वो तुम्हारा बना है कहाँ पे? कुफरी में, शिमला में। अगला तुम लोग जो है वो बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी के बारे में देख लेना। बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी जो है वो किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी को तुम एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री जो जो हमने अभी तक डिस्कस किया वहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी जो है वो कब लॉन्च हुई है, वो लॉन्च हुई है आपकी 2014 में। इसके अलावा एक आपकी स्कीम है जिसमें लिखा गया है कि जो आपके प्लांट्स हैं वेलेराइना कुथ, ये एक ही है वेलेराइना कुथ या डैमसुंग क्रोज है, उनको जो है वो इस पर्टिकुलर टाइम पे दो सोसाइटीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, दैट इज़ मंडी और शिमला। देखिए यार, ये कुथ और दमसुक रोज़ जो है उसको आसान भाषा में तो ऐसा रख लो कि जैसे हमारे मसाले टाइप जो है वो, वैसे जो डैमसुक रोज़ है वो तो फूल की तरह ही दिखता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो यूज़ है वो कहीं ना कहीं मेडिसिनल भी है। तो इन दो जो आपके आपके प्लांट्स है, दैट इज़ वेलेरिना कुथ एंड डैमसुंग क्रोज, इनको इस टाइम पे दो रजिस्टर सोसाइटीज जो हैं मंडी और शिमला की डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, इंडस्ट्री के ऊपर आ जाते हैं, इंडस्ट्री के ऊपर आ जाइए। देखिए याद रखेंगे टोटल इंडस्ट्रियल यूनिट्स कितने हैं, 54,310 इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं। इनमें से लार्ज इंडस्ट्रियल यूनिट्स कितने हैं, 140। मीडियम स्केल यूनिट्स कितने हैं, 628। क्लियर? साथ में अभी तुम लोगों ने देखा था कि पहले हिमाचल प्रदेश में जो इन्वेस्टर मीट हुई थी उसके बाद इन लोगों ने देखा कि कितने लोग जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो हिमाचल के बाद शिमला में एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज की थी जिसमें आपके होम मिनिस्टर भी आए थे, तो वहां पे जो है वो 251 प्रोजेक्ट जो है अनाउंस किए गए हैं 13,600 करोड़ रुपीज के। अगला आ गया, दैट इज योर मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। देखो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, आसान भाषा में मतलब स्वावलंबन का मतलब होता है सेल्फ डिपेंडेंस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो हमारे राज्य के अंदर जितने भी लोग जो 18 से लेके 35 साल के बीच में हैं वो अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, अपनी अपने लिए खुद एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए सरकार से लोन ले सकते हैं। सरकार जो है वो उन लोगों को 40 लाख तक का लोन देगी। अगर मान लो कोई मेल 40 लाख का लोन ले रहा है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत, तो वो मेल जो है वो उसको 25% सब्सिडी सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। अगर फीमेल ले रही है कोई लोन इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर, तो उसको 30% सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। अगर विडो ले रही है उसको 35% सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। हम लोगों ने लास्ट जब हमने बजट वाला टॉपिक डिस्कस किया था तब हमने जो है वो इसके बारे में पढ़ा था। और ये जो स्कीम है ये 2018 में गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो लॉन्च की जा चुकी है। तो यहाँ पे बताया गया है कि कितना पैसा सेंक्शन हुआ है, 27.94 करोड़। शायद ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ डिस्कस की ये ज़्यादा रेलेवेंट है। नेक्स्ट आ गया, दैट इज सीरीकल्चर इंडस्ट्री। तो सीरीकल्चर के बारे में आप सब लोगों को पता होगा, सीरीकल्चर जो है वो इट बेसिकली डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। तो हमारे यहाँ पे जो है वो 14 सिल्क यार्न रीलिंग यूनिट्स, जो सिल्क के धागे बनाने वाले कंपनीज हैं, यूनिट्स हैं, वो आपकी सेट की गई हैं कांगड़ा में,
बिलासपुर में, हमीरपुर में, मंडी में, ऊना में और सिरमौर में, जिसको सरकार ने सहायता दी है। और 2019 तक 228 मीट्रिक टन सिल्क कोकून्स बनाए गए हैं। कोकून्स मतलब जहाँ जिन जो जब आपने देखा होगा ना, जो मलबरी सिल्क है, जब वो एक सिल्क के छोटे छोटे कोकून्स बने होते हैं, जिनको बेसिकली हम जिनसे जिनको बाद में यूज़ करके हम लोग यार्न या थ्रेड बनाते हैं, ठीक है, जिनको बाद में हम लोग यूज़ करके यार्न या थ्रेड बनाते हैं, वो स्पेसिफिक वो बेसिकली जो है वो आपके सीरीकल्चर के अंदर आएंगे। तो बस इसमें ज़्यादा रेलिवेंट है कि कहाँ कहाँ जो है वो सीरीकल्चर इंडस्ट्री जो है वो सरकार की सहायता से खोली गई है, किन किन राज्यों में, और कितने टन के, कितने मीट्रिक टन के तुम्हारे सिल्क कूंस बने हैं, वो भी तुम लोग यहाँ पर मैंशन कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ इंडस्ट्री। अगर इंडस्ट्री की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश का जो 2011 का सेंसस है उसके अकॉर्डिंगली 30.05% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज क्लासिफाइड एज मेन वर्कर्स, 21.80% एज मार्जिनल वर्कर्स, एंड रेस्ट 48.15% एज नॉन वर्कर्स। अब यहाँ पे सवाल आएगा कि मेन वर्कर्स, मार्जिनल वर्कर्स और नॉन वर्कर्स में डिफरेंस क्या होता है। देखो, नॉन वर्कर्स तो भूल जाओ, जो जिनके पास कोई काम ही नहीं है। मार्जिनल वर्कर्स और मेन वर्कर्स में डिफरेंस क्या है? मेन वर्कर्स वो वर्कर्स हैं जिनके पास एक साल में 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा का काम है। मार्जिनल वर्कर वो वर्कर है जिनके पास less than 6 month काम है एक साल के अंदर। तो ऐसे हम लोग जो वो कैटेगराइज करते हैं। तो अब इसमें जो मेन और मार्जिनल है, इसको टोटल मिला के आपके हो जाते हैं 57.93%। क्लियर? तो हमारे यहाँ पे जो मेन मार्जिनल एंड नॉन वर्कर्स हैं, स्पेशली वुमेन ज़्यादा है नॉन वर्कर्स में। क्लियर? तो ये इस तरह से कैटेगराइज है। उसके बाद आ जाइए, दैट इज मिनिमम वेज। याद रखोगे, हर राज्य अपनी मर्जी से अपने लोगों के लिए मिनिमम वेज जो है वो डिसाइड करता है। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो मिनिमम वेज है वो पहले 225 रुपया हुआ करती थी, और अब इस सर्वे में जो मेंशन किया गया है उस मिनिमम वेज को बढ़ाया गया है, दैट इज 250 रुपया, 250 रुपीज़। नेक्स्ट देख लीजिए, आपका एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो है वो आपके जो कुछ प्रोग्राम्स हैं, तो जैसे स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फॉर स्पेशली एबल्ड, जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके या उनको एम्प्लॉयमेंट में असिस्टेंस दी जा सके पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में, वो भी हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो उस तरह के एक्सचेंज को बनाया गया था। वैसे बहुत पुरानी बात है, 1976 से। उसके बाद आपका है एम्प्लॉई इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड स्कीम। तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक जगहें लिखी हैं कहाँ कहाँ जो है वो आपके ये एरियाज, कहाँ कहाँ इंश्योरेंस जो है वो आपके एप्लीकेबल है। इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को आप लोग जो है वो रीड कर सकते हो। इसके बाद लास्ट ईयर देखा था आप लोगों ने कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस स्कीम जो है वो सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत हर महीने 1,000 रुपया जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस के रूप में जो है वो सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा। क्लियर? और जो आपके परमानेंटली फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं उनको 1,500 रुपया जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस के रूप में हर महीने प्रदान किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर? और कुछ लोगों को इस बार मिला भी है, 30 या 40 हज़ार के आसपास लोग हैं जिनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस सरकार के द्वारा प्रदान किए गए। नेक्स्ट आपका है हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम। इसका सिंपल सा मतलब है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो लोग हैं उनका स्किल डेवलपमेंट जो है वो किस तरह से की जा सके। तो उसी लिए जो है वो स्किल डेवलपमेंट अलाउंसेस स्कीम जो है वो सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है, जिसमें अगेन मोर और लेस जो तुम्हारा अलाउंस है वो जो है वो 2 साल के लिए प्रदान किया गया। सेम वैसा ही है जैसा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, जिसमें जो है वो 1,000 रुपये पर महीने दिया जाएगा, और उसके साथ साथ 1,500 रुपया जो परमानेंटली फिजिकल चैलेंज लोग हैं उनको जो है वो 2 साल तक सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा। इसके बाद ना लास्ट हमारा टॉपिक आ जाएगा जो शायद सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपका है, दैट इज़ रिगार्डिंग दी हाइड्रो पावर। देखिए, हिमाचल प्रदेश का जो टोटल हाइड्रो पावर एस्टिमेशन है वो है 27,436 मेगावाट, 27,436 मेगावाट। क्लियर? उसके बाद जो आपका इस पर्टिकुलर टाइम पे जिसको हम हार्नेस कर सकते हैं वो आपकी है 24,000, लेकिन आज के टाइम पे जो टोटल हार्नेस की जा चुकी है वो है 10,996 मेगावाट। फिर से बोल रहा हूँ, टोटल कैपेसिटी है 27,000, जिसको हम हार्नेस कर सकते हैं वो है 24,000, कितनी हार्नेस की जा चुकी है वो है 10,596।
अब इसमें अलग अलग सेक्टर का अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन है। सबसे पहले देखें HPSEBL, HPSEBL का मतलब है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड। इसकी टोटल कैपेसिटी है 487 मेगावाट। सेकंड देखा जाए HPPCL, दैट इज हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 165। अगला है सेंट्रल और जॉइंट, जिनका सबसे ज़्यादा शेयर है वो है 7457। हिमुर्जा स्टेट या प्राइवेट, हिमुर्जा स्टेट का है 2.37। ये हिमुर्जा बेसिकली जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है। हिमुर्जा प्राइवेट जो है वो 313 और प्राइवेट बाकी रह गया आपके 2010। क्लियर। और हिमाचल प्रदेश का शेयर है 159 मेगावाट। तो टोटल कितना आ गया तुम्हारा पावर हार्नेस आगे 10596। तो यहाँ पे बस ये याद रख लेना कि कितना है। उसके बाद अगर हम बात करें HPSEB के जो प्रोजेक्ट्स हैं, दैट इज हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक प्रोजेक्ट आपका आ जाएगा उहल, उहल आपका ब्यास नदी मंडी। उसके बाद आपका आ जाएगा सयाकॉट, ये आपका आ जाएगा चंबा में बैरा रावी की जो ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद आपका हेल आ जाएगा चंबा में, रायसन आपका आ जाएगा चंबा में, टिक्कर आपका कुथर जो है वो आपका आ जाएगा चंबा में। क्लियर है। तो ये स्पेसिफिक जो आपकी HPSEBL के जो है वो कुछ पावर प्रोजेक्ट्स हैं। और यहाँ पे ये ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन कि कौन कौन सा जो पावर प्रोजेक्ट है, ये पूछा जाता है ज़्यादा कि कितनी कैपेसिटी है, उहल की कितनी है, सैकॉट की कितनी, स्टेज वन की, टू की, देवी कोठी की कितनी है, हेल की कितनी है, रायसन की कितनी है, टिक्कर की कितनी है, कुठार की कितनी है। क्लियर है। इसके बाद आपके HPPCL के प्रोजेक्ट आ जाएंगे हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के। ठीक है, क्लियर। तो जैसे आपका पहला तो है इंटीग्रेटेड कशांग, तो कशांग तो आप सब लोगों को पता ही है, कशांग जो है वो आपकी सतलुज की ट्रिब्यूटरी है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी कैपेसिटी क्या है। उसके बाद आपका जाएगा सांझ, सांझ जो है वो आपकी कुल्लू में है, सांझ जो कि आपकी ब्यास की ट्रिब्यूटरी है, टोटल कैपेसिटी कितनी है 100। उसके बाद आपकी आ जाएगी सावराकुडू, सावराकुडू जो है वो आपका पब्बर, पब्बर जो कि तुम्हारी यमुना की ट्रिब्यूटरी है और ये कहाँ है तुम्हारी शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इसकी टोटल कैपेसिटी है 111। उसके बाद आ गई शोंगडम करचम सतलुज किन्नौर 450 मेगावाट। उसके बाद आ गया छंजू एंड दियोथल 78 आ जाएगा, चंबा छंजू नाला जो कि बैरा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, अगेन बैरा जो कि आगे रावी के साथ मिलेगी 78। उसके बाद आपकी आ गई रेणुका जी, रेणुका जी जो है वो आपकी गिरी सिरमौर 40 मेगावाट। उसके बाद आपकी आ गई सुरगुनी सुंदला सियूल नदी जो कि चंबा में रावी की ट्रिब्यूटरी है, उसके ऊपर 48 मेगावाट। उसके बाद आ गया धम्बारी सुंदा, धम्बारी सुंदा पब्बर नदी के ऊपर जो कि शिमला में है 70 मेगावाट। उसके बाद आपका आ गया थाना प्लौन जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद आपके आ गया नखथाण जो कि पार्वती नदी कुल्लू, क्लियर, 460 मेगावाट। उसके बाद आपका आ गया किशाऊ, किशाऊ आपका आ गया सिरमौर में टॉन्स रिवर के ऊपर, ये बेसिकली उत्तराखंड और उसकी बाउंड्री को जो है वो शेयर करता है, जो आपका 660 मेगावाट का आ गया। क्लियर। तभी तो लिखा ना यहाँ पे इंटर स्टेट एग्रीमेंट डन। अब देखो यार, ये तुम्हारे एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनकी मेन इंपॉर्टेंस थी। देखिए बीच बीच में मैंने कुछ स्लाइड्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस किया है क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली वो प्री में उतने ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको यूज़ किया जाए और आपको आने वाले टाइम के लिए मेंस के लिए भी ये जो स्पेसिफिक नॉलेज है वो कहीं ना कहीं काम करेगा। डन। तो ये हमारा आज का हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे का लेक्चर था। जो तीसरा पार्ट जिसमें लास्ट 5 चैप्टर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे वो जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।